बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है कि क्या इंसानियत को हम एक मज़हब बना लें। एक्चुअली इस टॉपिक चुनने का मकसद ये है कि काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम में से कोई भी किसी मज़हब की बात ना करें, बल्कि हम इंसानियत को एक मज़हब जो है ना बना लिया जाए। एक्चुअली ये ज़्यादातर ना हिंदुओं की तरफ से, इंडिया की तरफ से यह तसव्वुर का बहुत ज़्यादा शोशा छोड़ा हुआ है। वो चाहते ये है कि मुसलमान अपने मज़हब को छोड़ दें, कि शायद उनके ख्याल में मुसलमानों की, इस्लाम की जो सज़ाएं हैं वो इंसानियत के ऊपर जुल्म है। इसलिए अच्छा, पहला मेरा पॉइंट है, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि इंसानियत का तसव्वुर जो हम कहना चाहते हैं, चलो हम एक हद तक इसको मानते हैं। ज़रा मुझे इस पे पॉइंट्स देने दें। नंबर वन, इसराइल से कहें वो यहूदियत छोड़ दे और इंसानियत को मज़हब बना ले, बताएं करेगा? अमेरिका से कहते हैं कि तमाम अमेरिका के ईसाई ईसाइयत से तौबा कर ले और इंसानियत मज़हब बना ले, क्या करेंगे? इंडिया से कहते हैं कि जितने भी उनके जुनूनी हिंदू हैं वो सब बुतों की पूजा छोड़ दें, मंदिर गिरा दें और इंसानियत को मजहब बना लें। देखिए वो कहते ये है कि भाई कोई किसी को ना मारे, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। दुनिया कैसे चलेगी? देखें बहुत से जानवर, बल्कि मोस्टली जो जानवर है वो दूसरे किसी ना किसी जानवर की खुराक है। मसलन आप देखेंगे खरगोश जो है वो बाज की खुराक है, छोटी मछलियां बड़ी मछलियों की खुराक है, ये जो हशरातुल अर्ज हैं ये चिड़ियों की खुराक है, अगर हम भैंसा गाय बैल ये शेरों की खुराक है, हिरन वगैरह चीतों की खुराक है, ये जो मक्खियां वगैरह ये जो कॉबवेब है मकड़ी वगैरह उसकी खुराक है, हर एक की कोई ना कोई खुराक है। हत्ता के जो मवेशी हैं उनकी खुराक पौधे हैं और पौधे भी जानदार हैं, तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि हर एक की कोई ना कोई खुराक है। अल्लाह ने जो हमें दांत दिए हैं वो तीन किस्म के दांत हैं, वो सब्जियां खाने के लिए भी हैं, वो गोश्त खाने के लिए भी हैं, और जो सिंपल नरम चीज़ें वो खाने के लिए भी वो मौजूद हैं। इंसान वो वाहिद यानी होमोजीनियस है जो हर तरह की खुराक खाता है और हर तरह की खुराक उसे हजम भी हो जाती है। शेर को सिर्फ गोश्त हजम होता है। इसी तरह रीछ को देख लें तो वो दाने वगैरह, बंदर है, ये चने, इस तरह की चीजें जो है ना, वो आलू वगैरह भी है वो भी खा जाए वगैरह वगैरह, हर एक की। भेड़ बकरियां सिर्फ उनको पौधे हजम होंगे, वो जो ना ऐसी चीजें जैसे गोश्त वगैरह वो नहीं खा सकेंगे, उनके दांत उस तरह के नहीं है ना उनका मैदा उस तरह का है। तो हर एक कोई ना कोई किसी की खुराक है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं कि एक इंसानियत हम एक मज़हब बनाएं? ऐसी इस्लाम में कौन सी चीज़ है, मैं भी इस पर डिस्कस करता हूँ, जो इंसानियत की अगेंस्ट जाती है, मैं भी उस पर आता हूँ। पहले ये जो शिकार करने वाली बात, इस पर मैं बात कर दूँ। कहते हैं कि एक बाज ने झपट्टा मार कर कबूतर को पकड़ा, तो एक मशहूर बात है, किस्सा बना हुआ है कि एक बुजुर्ग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कोई ऐसा दम किया पड़ा कि कबूतर बाज के पंजे से छूट कर नीचे आ गिरा, छूट गया। तो बाज उस बुजुर्ग के पास आए और कहने लगा कि ये जो कबूतर है ये अल्लाह ने मेरी खुराक बनाई है, मेरा रिस्क है, आपने मुझसे मेरा रिस्क छीना है, ओके अब आप मुझे रिस्क दें। बुजुर्ग लाजवाब हो गए। तो देखिए यही मेरा पॉइंट है इसमें, अभी हम इस पर बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ये जो मजहब होता है ना, हम मानते हैं कि ईसाई इंसानियत को मजहब बनाते हैं। नंबर वन, मजहब हमेशा आसमानी होता है। क्या ये आसमानी मजहब है? ठीक है, अगर आसमानी मजहब है तो इसका कोई ना कोई पैगंबर होगा, तो फिर पैगंबर कौन सा है इसका? और हर मजहब की कोई ना कोई इबादत होती है, तो फिर इंसानियत के मजहब की इबादत हम क्या रखेंगे? ठीक है, हर मजहब की कोई ना कोई आसमानी किताब होती है या सहीफा होता है, इसकी किताब कहाँ है, सहीफा कहाँ है? हर मजहब के बानी का पास कोई ना कोई मौजा होता है, इसका बानी कौन है, इसके मौजे क्या है? तो ये तस्वुर बिल्कुल बुनियाद, एक्चुअली जो इस्लाम मजहब है हमारा उसमें हर चीज इंसानियत वाली ही है, हम ये समझ रहे हैं। और ये कुछ लोग हमारे जहन में डाले कि इंसानियत के खिलाफ बातें हैं,
उसकी मैं एग्जाम आपको अभी प्रूफ करता हूँ उसको। देखें, हम ये चाह रहे हैं कि हम ऐसा मजहब एक्चुअली बना लें जहां पे हम अपनी मर्जी के काम करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं हो। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि ये कायनात अल्लाह की है, हमारी नहीं है। हम ना अपनी मर्जी से आए हैं और ना हम अपनी मर्जी से जाएंगे। जिसकी कायनात है, जिसका रिज्क हम खा रहे हैं, जिसकी कायनात पे हम रह रहे हैं, जिसकी दी हुई जिंदगी हम गुजार रहे हैं, जिसकी दी हुई सहूलियात से हम फायदा उठा रहे हैं, उसने कुछ उसूल बना दिए। कत्ल की सजा कत्ल रख दी, हर खून का बदला खून रख दिया, ठीक है, आंख के बदले आंख रख दी, कान के बदले कान रख दिया, ये तो इंसाफ है, ठीक है। और अगर हम ये समझते हैं कि भाई जानवर को मारना जुल्म है, तो फिर तो वेजिटेरियन जो है, जो जानवर नहीं खाते गोश्त खाते, वो भी कातिल के जुम्मन में आते, क्योंकि पौधे भी तो जानदार हैं, ठीक है। तो फिर तो हम ना पौधे खाएंगे, ठीक है, ना हम कोई दालें खाएंगे, ना गोश्त खाएंगे, तो जिंदा कैसे रहेंगे। और अगर हम इन सब चीजों को छोड़ भी दें, जब हम हमारे मुंह में बैक्टीरिया हर वक्त पैदा होते रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस लेने में हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो उस वक्त ये जो जर्म जो जरासीम है हमारे मुंह के, ये मरते हैं, और उसके नतीजे में नए जरासीम जब वो पैदा होते हैं, तो फिर तो ये भी जुल्म हो रहा है। तो क्या फिर हम ऐसा करना बंद कर दें, हम फसलों पर पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, उससे हमारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो क्या ये भी जुल्म हो गया। हम मॉस्किटो स्प्रे करते हैं, हम मच्छर मारते हैं, कुत्ता काटेगा तो हम कुत्ते को भी मार देंगे, जो हमें भीड़ कम आए दिन भीड़ मार रहे होते हैं। तो भाई ये दुनिया की कुछ उसूल हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी के काम करें, तो बताएं जरा, क्या चोरी की सजा हाथ काटना जुल्म है, जबकि चोर ने क्या किया। चोर ने, हो सकता है एक आदमी जो बूढ़ा है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसको आज पेंशन मिली है जिससे उसकी पूरी बाकी जिंदगी गुजरेगी, उसने पूरी की पूरी पेंशन लूट ली, और उसके नतीजे में उसने पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद कर दी, बदले में तो सिर्फ उसका एक हाथ काटा जा रहा है। चोर ने, हो सकता है एक लड़की का पूरा जहेज चोरी कर लिया हो, और उसकी चंद दिन बाद शादी थी, और उसके बाप ने पता नहीं क्या कुछ बेचकर उसके लिए जहेज बनाया था, तो उसकी तो पूरी जिंदगी लड़की की बर्बाद हो गई, ठीक है, उसका सारा आसरा खत्म हो गया। तो फिर ऐसे शख्स की आप क्या सजा तजवीज करेंगे। एक्चुअली ये जो हिंदू लोग हैं ना, ये इनको ये है तकलीफ है कि इन्होंने इन्होंने जिहाद का जो तसव्वुर दिया है वो गलत है। तो जरा मुझे बताएं कि इनको ये सब चीजें अगर लगती है, ये भी जिहाद उस वक्त होता है जब आप पर कोई हमला करे, आप खुद हमला नहीं करते। तो अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया वो क्या था, जो अफगानिस्तान पर हमला किया फिर वो क्या था, क्या वो जुल्म नहीं। इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ, क्या वो जुल्म नहीं है। हिंदुओं ने कश्मीर पर और कश्मीरियों पर जो जुल्म किया हुआ, क्या वो जुल्म नहीं है। तो फिर मुझे बताएं इस चीज को आप क्या मानी देंगे, यानी अगर वो करें, वो आह भी करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो एक्चुअली खुदा ने जो सजाएं रखी है ना, वो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए, चोर चकारी को, चोरी चकारी को रोकने के लिए, जितनी भी बेईमानियां हैं, फ्रॉड हैं, इन सब चीजों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने, और अमन सुकून कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने सजाएं रोकी हैं। इस्लाम अमन का मजहब है, और इसके अंदर तमाम जो सबक हैं वो इंसानियत के ही हैं, अलहदा किसी इंसानियत मजहब की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, आपको गलत साइड दिखाई जा रही है। इस्लाम में आप देखिए, इस्लाम हमारा जितना भी फैला, ये अच्छी अखलाक से फैला, ठीक है, मुसलमानों के जो मुसलमानों ने अच्छे अखलाक रखे थे, जो बिहेवियर रखा था, जो एटीट्यूड रखा था, और इनकी जो अच्छे अच्छे रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन सब चीज़ों ने, माँ बाप का जो अदब है, उस्ताद का जो अदब है, बूढ़े की इज्जत और एहतराम है, इन सब चीज़ों ने, भाईचारे का सबक है, इंसाफ का सबक है, ठीक है, और इंसानियत का सबक, इन सब चीज़ों को देखकर लोग मुसलमान हुए और तेजी से मुसलमान हुए, और ये मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए किसी अलहदा मजहब जिसका नाम इंसानियत रख दिया जाए जरूरत नहीं है, ये एक धोखा है। इस्लाम खुद इंसानियत का ही मजहब है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।